Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. How are you, students? I hope you are fine with the grace of Almighty Allah. Class 4, exercise 6 start करने जा रहे हैं बेटा. उसका first जो है question number 1 fill in the blanks है. हमने fill in the blanks start करनी है. सबसे पहली fill in the blanks है. The area of a rectangle is dash units. तो बेटा area of the rectangle जो होता है वो याद रखिएगा हमेशा square units के अंदर जो है वो measure किया जाता है. जितना भी एरिया आता है उसे मोस्टली जो है हम स्क्वायर यूनिट्स के अंदर मेजर करते हैं. बी ऑप्शन में दिया हुआ बेटा द एरिया ऑफ डैश जिनके फिगर दिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो उसे आप काउंट कर लें. उसके जो बॉक्स है 1, 2, 3, 4 बॉक्स बनेंगे और उसके साथ एक आधा बॉक्स बनाया हुआ है यानी कि 0.5, तो वो 4.5 हमारा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया आ जाएगा. नंबर सी में देखा द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है. लेंथ हमें 2 दी हुई है, ब्रिथ हमें बेटा 1 दी हुई है. जो लेंथ आपको दी हुई है वो 1 है, ब्रिथ 2 है, तो आपने एरिया ऑफ द रेक्टेंगल फाइंड करना है. तो इसका फार्मूला होता है 2 लेंथ प्लस ब्रिथ. 2 प्लस 1 लेंथ 2 है और 1 इसको ऐड करेंगे 3 बन जाएगा बेटा. 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा. इसी तरह सी है, उसमें हमने एरिया फाइंड करना है. हमें उसने लेंथ 3 और ब्रिथ 4 दी हुई है. अगर इसका फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रिथ, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका आंसर जो है 12 आ जाएगा. बेटा डी ऑप्शन पे चले जाएं आप, सॉरी ई पे चले जाएं. ई पे उसने एक फिगर बनाई हुई है द पैरामीटर ऑफ द शेप. अगर बेटा पैरामीटर ऑफ शेप को अगर काउंट करेंगे सारी तरफ तो 3, 1, 1, 1, 1, 1 और 1 ये हमारा 10 बन जाएगा. तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आप इसको लिख देंगे. अब आते बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जिसमें आपने ट्रू फॉल्स फाइंड करने हैं और उसमें हम फर्स्ट पे चलते हैं ए पे. ए में वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ द सरफेस आर शेप कवर्ड इज कॉल्ड इट्स एरिया. देखे सरफेस पे जो शेप है या चीज है जो एरिया कवर्ड करती है वही उसका एरिया कहलाता है. तो ये फर्स्ट ऑप्शन आपकी क्या आ जाएगी बेटा, ट्रू हो जाएगी. आप नंबर बी पे चलते हैं. उसने कहा था एरिया ऑफ द फिगर, फिगर को काउंट कर ले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लेकिन इज 9 दिया हुआ, लिहाजा ये 9 नहीं है 7 है, तो इसे हम लिख देंगे बी आपका फॉल्स हो जाएगा. नंबर सी पे चले जाए द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल टू 2 लेंथ प्लस ब्रीथ. वही बेटा फार्मूला पे लिखा हुआ 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ये ट्रू है, तो इसका मतलब सी हमारा ट्रू हो जाएगा. डी ऑप्शन में चलते हैं द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 एंड इट्स लेंथ इज 1 यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रीथ फार्मूला होता है. तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 4 ही होगा, लिहाजा हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी ट्रू हो जाएगा. डी ऑप्शन आपका ट्रू आ जाएगा बेटा. आगे आ जाए ई ऑप्शन में. टू शेप्स हैविंग द सेम एरिया मस्ट हैव द सेम पैरामीटर. नहीं बेटा ये ऐसा नहीं होता. सेम जो पैरामीटर्स वाली हैं उनका जो एरिया या जिनका एरिया सेम होता है उनका पैरामीटर सेम नहीं हो सकता. जरूरी नहीं कि हो भी सकता है लेकिन जरूरी नहीं सबका ही हो, इसलिए इस ऑप्शन को हम फॉल्स कंसिडर करेंगे. ई ऑप्शन आपकी फॉल्स आ जाएंगे. अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 3 पर बेटा. वहां पर आपने जो है बेस्ट ऑप्शन जो है वो चूज करनी है. देखें फर्स्ट पे है इफ एल इज 5 बी इज 4 यानी कि लेंथ इज 5 ब्रिथ इज 4 द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल. तो सिंपल सी बात है बेटा, हमने फार्मूला रखा था 2 लेंथ प्लस ब्रिथ जो कि पैरामीटर का है. अगर 4 और आपको दी हुई है 5, 4 प्लस 5 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 यानी कि फर्स्ट आपका 18 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा. बी ऑप्शन पे आ जाए बेटा. वो कहता है इफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 26. देखिए मैंने यहां पे कुछ सॉल्व भी किया है. अगर पैरामीटर 26 हो, फार्मूला लिख दिया 2 लेंथ प्लस ब्रिथ, लेंथ हमें 7 दे दी गई है वो हमने लिख लिया, ब्रिथ की ऑप्शन खाली छोड़ दी, तो 26 है तो बताएं ब्रिथ कितनी होगी. बेटा 2 को सबसे पहले डिवाइड करें तो 13 आंसर आ जाएगा. 7 प्लस बी इज इक्वल टू 13. ये प्लस का 13 उधर जाके 13 से माइनस हो जाएगा 7, तो आंसर कितना है 6. तो ब्रिथ इज इक्वल टू 6, तो मैंने आंसर लिख लिया ब्रिथ इज इक्वल टू 6. सी ऑप्शन पे आ जाए बेटा. वहां पे लिखा हुआ है आपका द एरिया ऑफ द रूम इज 42 ठीक है जी, इट्स लेंथ इज 7. अगर 42 है, लेंथ 7 है, 7 को 42 पे डिवाइड कर दें, 7 6 आर 42, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 6 यानी कि उसकी ब्रिथ जो है वो 6 हो जाएगी. लेंथ और ब्रिथ आपकी फाइंड हो जाएगी. आगे बेटा उन्होंने शेप दी द एरिया ऑफ द कंपाउंड शेप, आप इसको काउंट कर लें कंपाउंड शेप को, ये आपका बनेगा 12. लास्ट ऑप्शन है ई पे द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल 31 एंड इट्स लेंथ इज 10. बेटा एरिया का फार्मूला लेंथ मल्टीप्लाई ब्रिथ होता है, वो 30 है एरिया, लेंथ हमें दी है, लेंथ को अंदर डिवाइड करेंगे
10 3s are 30, तो ब्रीथ हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। बेटा इसकी मैंने तमाम चीजें आपको बता दी हैं, आपने इनके रिवीजन भी करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है, और अगर कोई कन्फ्यूजन आती है, किसी चीज की समझ नहीं आती, तो हमारे साथ जरूर शेयर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।